जयराम जी की भैया हो तो बात ऐसी है कि खाले परसों के दिन भाग पटे का 3:30 बजे मारे पुतिने को फोन आयो रशिया हूँ। पुतिने मारो खास यार है। पुतिने मेरी खेल रहे हो खुश कैश किसमस खुश किस जस्ट मैं कह रहा बेटी का बाप तेरी मशीन तेरी ने पानी पीर करा रहा मत कर रशिया की भाषा में ट्रांसलेटर ना बुला डिंगल में मैंने समझा तेरी समस्या की जो मुझे समाधान करूँ वो मैंने कह रहे कि यार भाई ट्रांसलेटर ना बुलाओ फसे मैंने वो खिचड़ी को डिंगल में समझाई तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई। वो मैंने कह रहे कि यार मैं मोदी जी की बात कर ली है एंड अब खिचड़ी की मारा पड़ोसी यूक्रेन का बड़ी का मेल बागो और गुल्लर रोबा को टीएम आ गयो मुख्य रहे कि भाई नहीं कि ना तारा पड़ोसी है यूक्रेन तो उनका गुल्ला किले में मेली पूछू मैंने घड़ी पता की बात की वो कह रहे बेटी का बाप पे माँ पड़ोसी तो ताको पाकिस्तान भी है पाकिस्तान ताको हिंदुस्तान भी निकले तो को पर मैं आको दिन मैं आंगली करते रहे उनका तीतर को बाहर की छिड़ी का तीतर को बाहर को ना आको तीतर उगा पचे थे की करो मैं की करा जो पचे मुँह क्यों पाया माँ का मोदी जी काया और पचे सर्जिकल स्ट्राइक करी वो आपको अपने आप करना पड़ता है जज्जा अच्छा नहीं मैंने रेडियो थोड़ा ही देना यही है इलाज पे पचे वर्की करे ज्यादा परेशान करे तो पचे युद्ध करना पड़ेगी भाई ने कि ना तो मैंने कह रहे हो कि यार भैया ऐसे यानी यूक्रेन जो है ना वो माँ को निकले तो क्या खिचड़ी की यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ निकले तो क्या यूक्रेन कोई न्यारो देश को ना न्यारो मैं करिए उन्हें वो खिचड़ी को अमेरिका में जाए मिल रही है यार ये भाई ने कि ना यार वो नाटो देशों में जाए मिल रही है यार है बच्चे लगी थी कि नाटो देशों में मिलिया बाद अमेरिका में मिलिया बाद तो माँ का टेंशन बच्ची बढ़ जाए ना रशिया में कि भाई ने अमेरिका और मैं तो इंडिया है कि भाई ने कि ना इसलिए भैया उन्हें समझाओ जरूरी हो एंड मैं बात कर समझा दिया वार्तालाप कर दिया पर मैं फोटा लगा का मजबे ना रही इसलिए मुझे मिसाइल छोड़नी पड़ी कि माने ठोको युद्ध को राष्ट्र अपनाना पड़ियो चूतिए हो तुम दोनों पचे मैं क्यों भैया युद्ध कई चीज को समाधान कौन है ताकि सेना तो मेरी जो मेरी वहां का मनक भी घना मेरी इले ऐसो काम मत कर दिया बेटी का बाप तू पापे लो गिलाओ लो इतिहास में अगर बच्चा मनक मरिया तो मनक लकड़ी की थने ना अच्छू ना समझेला जान हिटलर ने खिचड़ी का ना पॉजिटिविटी याद नहीं करे मैंने क्या माँ गंडो को मुँह जो खिचड़ी को इतना मन का ना मानना चाहिए हिटलर इले ऐसो काम मत कर दिया तारी छवि खराब हो इले दो चार दिन बुढ़ी का मेल जाए ना पचे शांति हूँ चुपचाप अकल ठिकाना आ जाए वो मुनि कर भाई फिर मैं मुँह भी निशानी कर पूछ रही हूँ 3-4 दिन तक बुढ़ी का मेल हूँ मिसाइला विशाला छोड़ दूँ उसका शैन्य ठिकाना लकड़ी तबाह कर दिया हूँ अकल ठिकाना आ जाए तो ठीक है ना पचे उसके बाद भी नहीं तो जो हो जो देखो जाए कि मानना ठोकूँ ओगली में मातो दे दे तो मुसड़ू की डरना पुतिन तो ईशान को आदमी रह पाया इसलिए जोक सपाट दोस्तों मजाक अपनी जगह है लेकिन युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। महाभारत युद्ध हुआ था उससे पहले भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से ये कहा था कि भाई अब इन्होंने अपना वनवास भी पूरा कर लिया अज्ञातवास भी पूरा कर लिया ये तुम्हारे ही भाई हैं तुम्हारा ही रखते हैं तुम्हारा ही वंश है तो इनके लिए पांचों पांडवों के लिए तुम 5 गाँव दे दो कितने खाली 5 गाँव दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा पता है कि सुई की नोक टिके जितना भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है फिर तो अब युद्ध होगा ही। फिर उसके बाद गदा से दुर्योधन की जांग पे वार भी किया उसका छाती भी पाड़ी भीम ने और इतने लोग मरे भी सही 18 दिन युद्ध चला लेकिन भगवान कृष्ण कभी नहीं चाह रहे थे कि युद्ध हो टालने की पूरी कोशिश की उन्होंने। ऐसे ही रशिया भी समझा रहा था लेकिन टेंशन इतनी बढ़ गई कि फिर बाद में हमला करना पड़ा। मैं ना रशिया की पक्ष ले रहा हूँ ना मैं यूक्रेन की पक्ष ले रहा हूँ लेकिन क्या होता है कि रशिया भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति है अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति है अगर यूक्रेन नाटो देशों के अंदर मिलता है तो फिर वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा अमेरिकी फौज का यूक्रेन में जो कि रूस बिल्कुल नहीं चाहता। वो जो अमेरिका रूस के बीच की दूरी है वो बनी रहनी चाहिए वो इतना नज़दीक आ जाएगा तो फिर दो देशों के बीच में ज़्यादा टकराव होगा इसलिए वो ये कह रहा है कि तुम नाटो देशों से मत मिलो। तुम जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ जितना हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं कह रहा हूँ। तो इसी चीज़ के ऊपर युद्ध हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये युद्ध आगे बढ़े और ये तुरंत प्रभाव से ख़त्म होना चाहिए क्योंकि वहाँ से ऐसे सेंसिटिव वीडियोज़ आ रहे हैं यार बाप अपनी बेटी को विदा करते टाइम रो रहा है बस में बिठाते टाइम अपनी वाइफ को बिठाते टाइम कि क्या पता इनसे वापस मुलाकात हो नहीं हो लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं क्या पता
कब कौन सी मिसाइल आके अटैक कर दे, सब यही मर जाएं एक सेकंड में। लोग मेट्रो स्टेशन में घुसने के लिए मतलब भगदड़ मची हुई, लोग इतना दुबक के एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन नीचे होते हैं तो मिसाइल से अटैक हो तो बंकर की स्थिति में और उस स्थिति में मजबूत रहता है, तो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरह से। हम यहाँ इतना सेफ और फ्री हैं यार, इसलिए हम वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते हैं कि अभी जैसे मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर फाइटर जेट उड़ने लग जाएँ और एक दो मिसाइलें गिर जाएँ तो यार हमारी क्या स्थिति होगी, सोच के देखो। इसलिए यूक्रेन में भी इंसान ही रहते हैं, रशिया में भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन जो राजनेता होते हैं उनके अपने अहंकार हैं, अपनी समस्याएं हैं, और उस अहंकार के पीछे सारे युद्ध होते हैं और सारी समस्याएं। बाकी इंसानियत में अगर इंसानियत हम चाहते हैं तो किसी युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बात बताओ मुझे, मैं कहूँ कि यार ये दीवार है, ठीक है ना, ये दीवार तो दिखती है, लेकिन आसमान में कौन सी दीवार है, कहाँ से आसमान में ये पता चलता है कि ये चाइना का बॉर्डर है कि ये भारत का बॉर्डर है? कहीं कोई प्रकृति ने बॉर्डर नहीं बनाया, सब मनुष्य की ईजाद है। सारे देश, सारे फसाद की जड़ सिर्फ मनुष्य का दिमाग है, मनुष्य का अहंकार है। इसलिए युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। जय राम जी की। शुरुआत में जो वीडियो बनाया वो कॉमेडी में हो, कहीं दिक्कत कौन है, लेकिन गंभीर बात यह है कि युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, युद्ध खत्म होना चाहिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कब तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इसलिए दुआ करो ये नहीं होना चाहिए। जय राम जी।